तो अभी हम घर से निकल चुके हैं, अभी जस्ट हमारे बॉस गाड़ी खुद चला के जा रहा है। अभी यहाँ से सीधे जाएंगे डिब्रूगढ़, डिब्रूगढ़ के बाद हम जाएंगे कोलकाता और रात को फ्लाइट है, फ्लाइट लेके कल सुबह अर्ली मॉर्निंग तक पहुँच जाएगा, बैंकॉक पहुँच जाएगा। उसके बाद फिर एपिसोड आते रहेगा, तो आप लोग बने रहे, देखते रहे अपडेट्स पाने के लिए। और अभी फिलहाल तो बोडुमसा में है, निकल रहा हूँ, तो आगे आगे देखिए क्या होता है। और साथ में दो भाई हैं जो कि गाड़ी को वापस लेके आना है, सिर्फ सही सलामत से घर। चलो ठीक है, बने रहे। तो अभी पहुँच गए हैं डिब्रूगढ़ एयरपोर्ट, तो यहाँ से उड़ान भरेंगे कोलकाता के लिए। उसके बाद हम लोग जाएंगे थाई, तो आप लोग बने रहे, देखते रहे। तो अभी यहाँ पे चेक इन हो रहे हैं सभी आदमी के लिए, तो हमारा भी चेक इन होएगा। अभी बोर्डिंग पास ले लिया, टिकट ले लिया, आई मीन टू से अभी हम लोग जाएंगे। हम लोग लाइन लगना पड़ेगा अंदर में, और लाइन आप लोग देख सकते हैं, हम लोग फ्लाइट के लिए रुकेंगे फिर। तो इसी के साथ हमारा फ्लाइट यहाँ पर पहुँच चुका है, इसी फ्लाइट से हम जाएंगे। तो अभी हम लोग सारा सामान लेके, बैग वगैरह लेके, अभी हम लोग चेक इन के लिए जाएंगे, मतलब फ़्लाइट के लिए जाएंगे। अभी हमें थोड़ा नाश्ता पानी हो गया, अभी जाएगा और फ्लाइट में उठेगा। हाँ, जा रहे हैं हम लोग। तो अभी फ्लाइट के अंदर आ चुका है, अभी हम लोग अपना सीट लेंगे और बैठेंगे, उसके बाद में उड़ेंगे। तो अभी लास्ट पहुँच गया है हम लोग कोलकाता। तो ये सर है, सर कैसा था जर्नी थोड़ा बता दीजिए। बढ़िया रहा। तो अभी कोलकाता में रह के शाम तक काटना पड़ेगा, करीब सुबह का 12 बजे तक हम लोग को यहाँ में रुकना पड़ेगा। उसके बाद 12 बजे के बाद फ्लाइट है, तो फ्लाइट में किस प्रकार से जाएंगे हम आपको डिटेल्स में बताएंगे, और कहाँ कहाँ से क्या क्या कागज़ लेना है वो भी बताएंगे, और थाई पहुँच के क्या प्रोसेस से आपको अराइवल वीजा मिलेगा वो अभी हम बताएंगे। आप बस बने रहे वीडियो के साथ, सारा डिटेल्स मिलेगा और देखते रहे। इस बैग उठा लिया, अभी देखिए रूम में किस प्रकार से लोग हैं। अभी हम लोग जाएंगे, लगेज बैग उठा लिया, अभी ऑलमोस्ट सीट खाली हो चुका है और हम लोग बैठा हुआ था क्योंकि काफ़ी भीड़ था, इसके कारण से हम लोग बैठा हुआ था। तो अभी हम लोग निकलेंगे, काफ़ी सीट खाली हो चुका है, तो अभी हम लोग भी निकल जाएंगे। और कुछ लोग अभी भी बैठे हैं क्योंकि काफ़ी भीड़ थे उस समय। निकलेंगे और वेट करना पड़ेगा शाम के लिए, नेक्स्ट फ्लाइट के लिए। तो हम लोग ये फ्लाइट से आए थे, अभी निकल चुके हैं, अंदर में आ चुके हैं, अभी हम लोग रेस्ट करने जाएंगे। तो अभी हम लोग रेस्ट करने के लिए जा रहे हैं। तो ये थे हमारे इंडिया के इंटरनेशनल एयरपोर्ट, नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट, नज़ारा कुछ इस प्रकार से है। तो अभी फिलहाल हम लोग एक कैंटीन में आए हैं, कैंटीन मीन्स कैफेचिनो एंड बार। तो यहाँ पे अभी हम लोग कुछ खा लेंगे क्योंकि बहुत भूख लग गया, तो सैंडविच वगैरह यहाँ पे पड़ा हुआ है। और सर साहब ने, अगर आप चाहे तो कोई भी ले सकता है, रम और विस्की वो सब भी यहाँ पे मिलेगा, तो आप लोग चाहे तो ले सकता है। तो अभी हम लोग यहाँ पे कुछ खा लेंगे, उसके बाद अलग तरफ में प्रोसीड करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग खा लेते हैं, ठीक है। ये है अभी थोड़ा सा लंच कर लेगा, सैंडविच, दिस इज 340, दिस इज ऑल्सो 340। तो एयरपोर्ट में थोड़ा दाम होता है इसलिए, लेकिन हम लोग को खाना पड़ेगा, हम लोग खा लेंगे। अभी फिर दोबारा से खाना खा रहा है क्योंकि रुकते रुकते भूख लग जाता है, मतलब जितना रुकता है उतना भूख लगता है। तो मैं ये खा रहा हूँ नॉन वेज, और सब खा रहे हैं इडली डोसा। इडली डोसा तो नहीं खा सकूँगा, चेन्नई में बहुत खा लिया, अब बोर हो चुका हूँ, तो इसलिए अभी अपना खाना खा रहे हैं और सर इडली खा रहे हैं। तो ठीक है, खाना खा लेंगे, अभी रुकिएगा, कहीं नहीं जाइएगा, और बहुत कुछ है देखने के लिए। अभी शाम हो चुका है, अभी भी हम लोग यहीं में हैं क्योंकि अभी तक रात नहीं हुआ, 12 नहीं बजा, 12 बजने के बाद ही हम लोग वो करेंगे। उसके बाद लाइन लगना पड़ता है, यहाँ पर देखो आप, तो लाइन लग रहा है,
क्योंकि टिकट तो लेना है और टिकट तो सिर्फ वो स्पाइस जो काउंटर वहाँ में मिलेगा, तो इसलिए हम लोग को टिकट लेना है। तो अभी देखते हैं कितना देर खड़ा होना पड़ेगा। सो अभी टिकट मिल गया है, रात का 12 बज गया है और अभी ये गेट नंबर 14 से हम लोग घुसेंगे, उसके बाद में फ्लाइट में जाएंगे। असल में सिम कार्ड भी लिया हूँ मैंने, यहीं से कोलकाता से लिया है, जो कि 1000 रुपीज़ लिया गया है। बताया गया है कि 50 GB अनलिमिटेड डाटा 5G मिलेगा बोल के, तो इसके कारण लिया गया है। तो मालूम नहीं अभी मिलेगा कि नहीं मिलेगा, सिम तो यहाँ से ले लिया, लेकिन थाईलैंड जाके मालूम होगा कि सिम काम देगा कि नहीं देगा, देखता है अभी। तो चलिए अभी हम लोग फ्लाइट के लिए बोर्डिंग करते हैं। तो मोहतरमा वहाँ से चिल्ला रही है कि आ जाओ बोल के, बोर्डिंग आ जाओ बोल के बैंकॉक के लिए। तो अभी हम लोग वहाँ घुसेंगे। तो रात हो गया, बाहर बहुत रात है अभी, क्योंकि 12 बज चुका है। अभी हम दिन भर रुके हैं, ऑलमोस्ट 12 आवर रुकने के बाद अभी हम लोग को बोर्डिंग पास मिला गया है और हम लोग अभी अंदर जा रहे हैं। अभी हमारे लिए वो वेट कर रहे हैं, फ्लाइट आप देख सकते हैं वहाँ नीचे वेट कर रहे हैं। अभी हम लोग नीचे जा रहे हैं और फ्लाइट में उठेंगे और सोना पड़ेगा अभी थोड़ा। तो हम ये फ्लाइट में अभी बैठेंगे, यहाँ में 2 फ्लाइट हैं, तो अभी सामने वाला फ्लाइट में बैठेंगे एकदम माथा के सामने। यहाँ पे हमें चेकिंग कर रहे हैं, सब चेकिंग चल रहा है। तो इसी प्रकार हम अभी एटलास्ट हमारा फ्लाइट में बैठ चुका है और हम लोग अभी चल रहे हैं, निकल चुके हैं थाईलैंड के लिए। अभी हम लोग उड़ान भर चुके हैं हमारे, अभी हम थाईलैंड पहुंच के ही मतलब मज़ा आएगा, क्योंकि अभी हमको सोना है थोड़ा देर, तो हम सो लेंगे उसी समय तक। तब तक आप लोग ये वीडियो कंप्लीट करते रहिए और सेकंड वीडियो के लिए वेट कीजिए, क्योंकि सेकंड वीडियो थाईलैंड के लिए आएंगे। नेक्स्ट एपिसोड जो है एपिसोड 1 थाईलैंड बोल के आएगा, तो उसको आप लोग देखते रहिए और आप लोग को काफ़ी मज़ा आने वाला है थाईलैंड का एक्सपीरियंस गाँव के भाई जैसे थाईलैंड पहुँचे। तो ये हम लोग पहुँच चुका है थाईलैंड के सुवर्णभूमि एयरपोर्ट में, काफ़ी जो मतलब बड़ा एयरपोर्ट है, वन ऑफ द लार्जेस्ट एयरपोर्ट बोलने से होगा एंड बिजिएस्ट एयरपोर्ट। तो हम पहुँच चुके हैं, देखते रहिए आप लोग मेरा ब्लॉग सब थाईलैंड का। थाईलैंड के बाद हम मलेशिया के ब्लॉग लाएंगे आपके लिए। लास्ट थाईलैंड पहुंच गया सुवर्णभूमि एयरपोर्ट में। अभी इमिग्रेशन जाना पड़ेगा, फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा, इमिग्रेशन में फॉर्म डाल के निकल सकेगा। तो चले देखता है।